हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आएगा। तो दोस्तों, क्योंकि आपकी शूटिंग स्टार जो कैंडल है वो भी आपकी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जो आज मैं बात करने वाला हूँ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के बारे में, ये भी एक आपकी पावरफुल बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हैंगिंग मैन कैंडल पर हम लोग किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इसमें हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो होती कैसी है और आपके चार्ट पर दिखाई कैसी देती है। तो दोस्तों, इस साइड में अगर आप लोग देखें तो हैंगिंग मैन जो कैंडल है वो आपके कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अगर आप लोग इसे हैमर समझ रहे हैं तो ये आपकी हैमर कैंडल नहीं है। आपके दिखने में हैमर लग रही होगी बट ये हैमर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपकी किस कौन कौन सी कंडीशन है जो कि आपकी अप्लाई होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो खुद की रिसर्च जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो ट्रेंड है वो मार्केट में अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, मार्केट आपका जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है अपर विक स्मॉल होनी चाहिए, एंड जो आपकी लोअर विक है वो यहाँ पर लॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपर विक जो है वो आपकी स्मॉल होनी चाहिए, या फिर ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, और जो आपकी लोअर विक है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग फर्स्ट वाली कैंडल में देख सकते हैं, इसमें आपकी जो अपर विक है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अपर विक कहीं दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है। अगर इसके बगल वाली कैंडल की हम लोग बात करें तो इसमें अपर विक आपकी यहाँ पर बहुत ही छोटी सी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चार्ट पर आपकी चाहे इस प्रकार की कैंडल बने या फिर इस प्रकार की कैंडल बने, ये दोनों आपकी कौन सी कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पर किस प्रकार आपकी कैंडल बनती है, किस प्रकार आप लोग एंट्री बना सकते हैं, कहां पर स्टॉप लॉस रहेगा, कितना टारगेट रहना चाहिए, सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी जो तीसरी आपकी कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी, कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन या रेड कोई भी हो सकती है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को सारी कंडीशन अप्लाई होते हुए दिख रही है और आप कहें कि सर ये आपके रेड है ग्रीन नहीं है, या फिर ग्रीन है रेड नहीं है, तो दोस्तों यहां पर आपकी कैंडल कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी रेड हो या फिर ग्रीन हो, आपका जो वर्क करेगा वो दोनों में सेम करेगा, ठीक है। चौथी दोस्तों कंडीशन आपकी ये है कि हैंगिंग मैन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इसके नीचे बननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपकी जो सेकेंड वाली कैंडल है ये आपकी चार्ट पर बन गई, अब इसके बाद जो आपके चार्ट पर कैंडल बननी चाहिए वो कुछ इस प्रकार की कैंडल आपके चार्ट पर बननी चाहिए। मतलब कि ये वाला जो लो है, हैंगिंग मैन कैंडल का जो लो है वो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए नीचे की साइड में, तब दोस्तों ये आपकी कैंडल जो है वो परफेक्ट कैंडल बन जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि चार्ट पर आपको किस प्रकार बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए चार्ट भी बना रखे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पहला चार्ट है ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब दोस्तों, इस चार्ट में आपको क्या करना है, एक आपको हैंगिंग मैन कैंडल ढूंढना है। तो दोस्तों, मेरी कंडीशन क्या थी कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है सर, यहाँ पर मार्केट आपकी क्या है, अप ट्रेंड में है। अब दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की साइड में अगर आप लोग देखें, मैं इसे अगर थोड़ा जूम कर दूं तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल बन रही है मार्केट में बिल्कुल टॉप पर, ये आपकी बिल्कुल आपकी जो हैंगिंग मैन कैंडल है, अभी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल उस प्रकार की कैंडल बन रही है या नहीं बन रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस कैंडल में अपर विक है, अपर विक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैंने बताया था कि अपर विक होनी चाहिए बट यहाँ पर छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपर विक भी है बट यहाँ पर क्या है, छोटी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी दो कंडीशन क्या हो गई,
दो कंडीशन यहाँ पर आपकी जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या थी, तो आपकी तीसरी कंडीशन ये थी कि आपकी जो आपकी कैंडल है वो आपकी रेड या ग्रीन कोई भी हो सकती है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सर आपकी यहाँ पर कौन सी कैंडल है, आपकी ग्रीन कैंडल है, तो उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी रेड हो या फिर ग्रीन हो। लास्ट दोस्तों कंडीशन क्या थी कि जो ये जो आपकी हैंगिंग मैन कैंडल है, इसका क्या होना चाहिए, लो ब्रेक होगा तब आपकी यहाँ पर एंट्री होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हैंगिंग मैन का जो लो है वो ये वाला पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो हैंगिंग मैन में यहाँ पर लो बना रखा है। तो दोस्तों ये वाली जो आपकी तीसरी कैंडल है, यहाँ पर सेकेंड कैंडल ने इसका जो है लो ब्रेक नहीं किया है, बट यहाँ पर कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है, तीसरी कैंडल ने इस कैंडल का यहाँ पर लो क्या किया है, ब्रेक किया है। तो दोस्तों अब आपकी एंट्री कहाँ पर होगी, तो दोस्तों आपकी एंट्री यहाँ पर इस तीसरी वाली कैंडल का जब ये लो ब्रेक करेगी तब यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टॉप लॉस की, तो दोस्तों आपका जो हैंगिंग मैन कैंडल है इसका जो हाई है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस प्रकार स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। एंड दोस्तों अगर हम लोग बात करें टारगेट की, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका टारगेट रहेगा वो मिनिमम आपका 1:3 का रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कभी कभार क्या होता है 1:4 से भी ज्यादा का टारगेट दे देती है, 1:5 तक के यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि शुरुआत में आप लोग क्या करें, शुरुआत में यहाँ पर आप लोग 1:2 का टारगेट लें, और जैसे जैसे आप क्या हो जाए एक्सपीरियंस हो जाए कैंडल्स के ऊपर, तब यहाँ पर आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 1:3 तक यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज अभी के अभी लाइक करें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना आप लोग बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ये भी आपका कौन सा एग्जाम्पल है, आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये सारे आपके लाइव मार्केट में, मैंने यहाँ लाइव मार्केट से निकाले हुए हैं, ये सारे आपके रियल एग्जाम्पल हैं, कोई भी बनाए हुए एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट क्या होनी चाहिए, मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होनी चाहिए। आपकी जो हैंगिंग मैन कैंडल बनेगी, हैंगिंग मैन कैंडल बनने से पहले मार्केट क्या होनी चाहिए, मार्केट आपकी अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है सर। यहाँ पर मार्केट मार्केट जो है वो आपकी अप ट्रेंड में है। अब दोस्तों अप ट्रेंड में अगर हम इस वाले लेवल को बनाए कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहली बार मार्केट यहाँ पर आई थी, ठीक है, दूसरी बार मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है। तो दोस्तों जहां से मार्केट क्या करती है, रिजेक्शन लेती है, या जहां से मार्केट वापस आने की कोशिश करती है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया को हम लोग आपका रेजिस्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में जब आपके रेजिस्टेंस के पास कोई एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो वहां से काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहां से मार्केट क्या हो सकती है, नीचे जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें, अगर इस रेड कैंडल को ध्यान से देखें, तो ये जो रेड कैंडल है ये आपके हैंगिंग मैन कैंडल की तरह बनती हुई दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैं चीज और दिखाना चाहता हूँ, इस कैंडल के बाद अगर आप लोग ये तीन कैंडल को छोड़ के ये चौथी कैंडल को देखें, तो चौथी कैंडल भी आपको बिल्कुल हैंगिंग मैन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में आपको कब एंट्री करनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर दोनों कैंडल में एंट्री करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप लोग इस कैंडल के बेस पर एंट्री करते, इसका लो क्या था, इसका लो ये था, तो दोस्तों सेकेंड कैंडल ने इसका क्या कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती। एंड दोस्तों स्टॉप लॉस आपका ये वाला हो जाता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग पहली वाली कैंडल में एंट्री करते तब भी यहाँ पर आपको अच्छा टारगेट देखने को मिलता। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग इस वाली कैंडल में एंट्री करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लो है ये आपकी क्या होता, एंट्री पॉइंट होता। एंड आपका जो इसका हाई रहेगा, मतलब इस वाले कैंडल का जो हाई रहेगा वो कहाँ पर होगा, वो आपका कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो
तो यहां पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों यहां पर भी देख सकते हैं कि मार्केट में फिर भी आपको यहां पर एक अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कैंडल, छोटी छोटी कैंडल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक एक कैंडल आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मार्केट के मोमेंटम को चेंज कर देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है शूटिंग स्टार कैंडल का, आप लोग उस कैंडल को भी जाकर अच्छे से देखें, उसे सीखें। और इस प्रकार की कैंडल्स पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी कैंडल आपके लिए एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका दे सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कितना बड़े बड़े यहाँ पर टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग सिंगल लॉट से भी काम करते तो भी यहाँ पर आपको 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए इस प्रकार के टारगेट देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ, उसे भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, रीड करिएगा, आप लोग बैक टेस्टिंग भी कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट पहले क्या थी, मार्केट पहले आपकी इस प्रकार डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, और यहां से क्या लिया, यहां से इसने एक हैमर कैंडल का क्या लिया, हैमर कैंडल बनाकर यहां पर इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट कुछ इस प्रकार ऊपर की साइड में मोमेंटम करती हुई निकल रही थी। ठीक है, अब मार्केट आपकी अगर हम लोग इस वाले लेवल से देखें तो यहां से मार्केट क्या है, मार्केट यहां से आपकी अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए, हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो आपकी हैंगिंग मेन कैंडल है वो यहाँ कहां पर बननी चाहिए, या तो किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास बननी चाहिए, या फिर जो है वो क्या बोलते हैं उसे, टॉप पर बननी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी ये जो कैंडल है इस प्रकार आपको कुछ इस प्रकार बनती हुई दिख रही होगी। यहां पर बहुत ही छोटी सी कैंडल है, यहां पर आपको दिख रही होगी ये जो कैंडल है आपके बिल्कुल हैंगिंग मैन कैंडल की तरह बनी हुई है। यहां पर अगर इसकी विक की बात करें तो इसकी विक लंबी है, और इसकी अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो बॉडी छोटी है, और ऊपर यहां पर कोई भी विक आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार की कैंडल जब मार्केट के टॉप पर बनती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर इसके कलर की बात करें तो कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कलर इसका ग्रीन है, चाहे रेड होता या फिर ग्रीन होता, आपकी जो कंडीशन है वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, बाकी यहाँ पर कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की कैंडल आपके एक चार्ट पर बनती है। उसके बाद आपकी एंट्री कहाँ पर होगी, तो दोस्तों एंट्री जो होगी आपकी वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये जो इस वाली कैंडल का लो है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या होगी, इस वाले एरिया के आसपास आपकी एंट्री होगी, एंड स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका ये वाला लेवल होगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कितना स्टॉप लॉस है, लगभग मैं अगर हम लोग बात करें ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 8 से 10 पॉइंट का आपको यहां पर 10 से 12 पॉइंट का मैक्सिमम आपको यहां पर स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। एंड अगर इसके टारगेट की बात करें तो इसकी टारगेट को आप लोग देख सकते हैं, लगभग यहां पर अगर हम लोग बात करें टारगेट की तो यहां पर ये जो चार्ट है निफ्टी 50 का है, तो यहां पर जो ये कैंडल है, ठीक है, इन कैंडल की रेंज कम से कम कुछ नहीं तो यहां पर 70 से 80 पॉइंट की ये कैंडल आपके सामने बनी हुई है। तो यहां पर देख सकते हैं कि कितना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको मार्केट कितना बड़ा टारगेट देती है। बट दोस्तों यहां पर बात क्या होती है, बात ये होती है कि आपको कैंडल्स को रीड करना नहीं आता होगा, कैंडल्स को पढ़ना नहीं आता होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, खुद भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी टीचर होता है जितना बच्चों को पढ़ाता है और टीचर की क्या होती है, एक्यूरेसी हाई होती रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।